तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और भाई सबसे पहले तो यार मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि इतने टाइम से रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी। कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं वीडियो नहीं आ पा रही थी रेगुलर। बीच में मैंने डाली थी लेकिन भाई उसके लिए भाई बहुत बहुत सॉरी क्योंकि काफी ज्यादा बिजी था। लेकिन यार अब फ्री हो चुका हूं तो आपको कल से डेली रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो दोनों आपको देखने को मिलेगी। बाकी यार आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अब फाइनली हमारे जैकब फाटू न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। न्यू ब्लड लाइन से मेरा मतलब है सोलो सिकोवा और टामा टोंगा के ब्लड लाइन। तो क्या फाइनली भाई जैकब फाटू उसको ज्वाइन करने वाले हैं और कब उसको ज्वाइन करेंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन में हमने क्या देखा। भाई वहां पर हमने देखा कि सोलो सिकोवा और टामा टोंगा ने यहां पर किस तरह से केविन ओवेंस पर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल अटैक किया, जिसके बाद भाई वहां पर उनके सर पर काफी ज्यादा खून वून भी आ रहा था। और मतलब मुझे लगता है केविन ओवेंस कुछ टाइम के लिए WWE से अब गायब भी होने वाले हैं। WWE इस चीज को काफी ज्यादा सेल करवाने वाली है और वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर ब्लड लाइन ने केविन ओवेंस को इंजर्ड कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि हमें कुछ टाइम तक भाई सोलो सिकोवा और इनकी स्टोरी लाइन केविन ओवेंस से चलते हुए नजर आए। लेकिन अब बात कर लेते हैं भाई जैकब फाटू की, क्योंकि जो ये न्यू ब्लड लाइन है इसमें कहीं ना कहीं एक नया मेंबर तो चाहिए। दो मेंबर से उतनी मतलब टीम तो ये तगड़ी है, लेकिन फिर जब दो तीन चार मेंबर हो जाते हैं तो वो और भी तगड़ी फैक्शन लगती है। तो भाई मेरे हिसाब से जैकब फाटू यहाँ पर इस वाली ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले हैं। और ये मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा भाई, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। रिसेंटली हमें PW इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जहां पर वो कहते हैं कि भाई जैकब फाटू इस वाली ब्लड लाइन को नेक्स्ट वीक के दौरान ही ज्वाइन करते हुए नजर आ जाएंगे। मतलब नेक्स्ट वीक से उनका मतलब है कि नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। अब भाई नेक्स्ट वीक ये स्मैकडाउन भी हो सकता है या अगला स्मैकडाउन भी हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है भाई ये स्मैकडाउन हो सकता है, क्योंकि ये स्मैकडाउन ड्राफ्ट वाला स्मैकडाउन होगा और हमें पता है WWE ड्राफ्ट वाले स्मैकडाउन को काफी बड़ा बनाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में हो सकता है भाई वहां पर जैकब फाटू अपने रिटर्न करें और भाई इस ब्लड लाइन को ज्वाइन करें। इसके बाद हमें इनका काफी ज्यादा डोमिनेंट रन देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने पहले वाली ब्लड लाइन का देखा था। शुरू शुरू में भाई कितना कमाल का उनका रन था, जिमी उसो, जे उसो, रोमन रेंस, काफी ज्यादा उन्होंने पूरे रोस्टर को डोमिनेट किया था। तो उसी तरह से यहाँ पर ये फैक्शन यहाँ पर पूरे रोस्टर को डोमिनेट करेगी। साथ ही साथ हमें पता है भाई फिर रोमन रेंस भी बाद में जे उसो और जिमी उसो के साथ अलाइन होंगे और हमें वो पुरानी OG वाली ब्लड लाइन भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे मेरे हिसाब से WWE पहले तो इस फैक्शन को काफी ज्यादा जैसे बिल्ड करने वाली है। टामा टोंगा आए हैं, उनको काफी ज्यादा बिल्ड किया जाएगा। सोलो सिकोवा ऑलरेडी काफी बड़ा नाम है, लेकिन भाई बीच में उन्हें इतनी हार का सामना करना पड़ा था, तो फिर से WWE उन्हें रिपैकेज करेगी और भाई मुझे लगता है उन्हें काफी ज्यादा एक बढ़िया कैरेक्टर मिलने वाला है। या फिर क्या पता वो इसी कैरेक्टर को फिर से नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। और ऐसे करके भाई हमें कुछ महीने बीतते हुए नजर आएंगे जहां पर जैकब फाटू, टामा टोंगा और सोलो सिकोवा काफी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके भाई यहां पर जिमी उसो की वापसी होगी, उनको जे उसो भी ज्वाइन करेंगे और हमें यहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैकब फाटू और सोलो सिकोवा की ये टीम है इनका यहाँ पर दबदबा नजर आया, क्योंकि भाई अभी रोमन रेंस नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद हमें रोमन रेंस का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है जो कि अपने एक फेस कैरेक्टर के साथ आएंगे। और भाई फिर फाइनली हमें इनके बीच एक फेस वर्सेस हील वाली बहुत ही तगड़ी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। अब भाई SSS ने वैसे भी कन्फर्म किया था कि भाई ब्लड लाइन में काफी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं, तो भाई वो होनी शुरू हो चुके हैं और मुझे लगता है जैकब फाटू का इस वाले ब्लड लाइन में आना उस चीज का नेक्स्ट स्टेप है। तो काफी जल्दी यहाँ पर जैकब फाटू को रिटर्न होने वाला है और वो भाई सोलो सिकोवा और टामा टोंगा को ज्वाइन करने वाले हैं। बस ये कंफर्म नहीं है कि वो इस स्मैकडाउन में आएंगे या फिर अगले स्मैकडाउन में आएंगे, वो देखने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि काफी जल्दी भाई जैकब फाटू यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं सोलो सिकोवा और टामा टोंगा को। बाकी आपके इस पर क्या रिएक्शन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।